না না মাঠটা মনে হয় ওই তো ইয়ে করেছে মাটি খুঁড়েছে তো প্লেগ্রাউন্ডও করতে পারে ওটা তো বড়দের প্লেগ্রাউন্ড না বাচ্চাদের জন্য এটা প্লেগ্রাউন্ড হতে পারে দেখো সব নিম পাতা এই গাছ এই গাছ সব তুলে দিয়েছে এর কাছে তো প্রচুর বাচ্চা আছে নিলে ঘোড়াটাকে পুরো তুলে দিল ঘোড়াটাকে তুলে দিল পুরো आज हम लोग दोपहर को खा रहे बॉइल्ड राइस हाँ बॉइल्ड राइस के साथ अंडा बॉइल्ड और आलू बॉइल्ड ये नहीं खा रहे आज तो और क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया और सुबह से थोड़ा मतलब इधर उधर करते करते ना टाइम ऐसे यूं ही चुटकी में निकल गया तो इसीलिए और बाहर भी जाना है आज गुड़गांव चलेंगे दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए वो मेरे भाई पापा दोनों के लिए शॉपिंग करनी है और मम्मी को सोच रही हूँ इस बार अपने दुकान से कुछ खरीदूंगी और मतलब अपने दुकान से मम्मी से ही लेके मम्मी का पसंदीदा कोई साड़ी मैं मम्मी को गिफ्ट कर दूंगी और इस बार मेरी सासू माँ ही करती है अगली बार भी वही सारा शॉपिंग करके देती है लेकिन इस बार ना हम लोगों ने उनको बाहर निकलने के लिए मना किया है कि आप छोड़ दो यहाँ पे तो दुकान बहुत सारा है मतलब मॉल वगैरह तो सब है तो हम चले जाएंगे तो इसीलिए हम दोनों आज जाएंगे शॉपिंग के लिए और तो इसीलिए थोड़ा बहुत खा के निकल जाएंगे बस और यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोग को कि यहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पे एक पार्क बनने वाले हैं जिसमें मैं दौड़ूंगी की गो सही ना अच्छा 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 तो यही हलो व्यापार और ये अभिषेक आवाज लटके आछे ये पूरा दिन शुद्ध लट ओ सॉरी मैं बंगाली में बोल रही थी तो ये अभिषेक पूरा दिन ऐसे ही लैद खाता रहता है पेशेंट देखता है एक बार शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के फिर खोल लेता है फिर से चालू हो जाता है सोना तो यही चल रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 बजे चलेंगे क्योंकि आसमीना दी काम पे आएगी फिर काम करेगी वो सुबह का बर्तन धो के गई है और आएगी शायद 2:30 बजे आके वो बाकी बर्तन धोएगी फिर खुद खाना खाएगी फिर हम चलेंगे तो इसीलिए सोच रहे हैं कि हम थोड़ा खा के दोपहर को 1 घंटे के लिए सो जाए मतलब कि रेस्ट कर लें क्योंकि कल पूरा रात मैं नहीं सोई तो ये सारा प्रोडक्ट आज डिलीवरी हुआ है और मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार दिखा दूँ
এখানে এতগুলো বোতল হয়ে গেছে না। তো ইয়ে হে হামারা পিছে কি সাইড আর ইহা সে হাম আজ পিছে সে যা রে হ্যায় আর চারো তরফ রাস্তা ভি হ্যায় কোনো প্রবলেম কি বাত নেই হ্যায় তো ইহা পে হাম আপকো দিখায়েঙ্গে ইয়ে থোড়া বহুত মতলব अंदर का जो कैंपस के अंदर जो जगह है वो सब दिखाऊंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अभी ये जो कैंपस है ना वो थोड़ा गंदा कर दिया क्योंकि जो पेड़ था फूलों का पेड़ था वो काट दिया सारा और बहुत फ्लावर्स होते थे वो पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर मतलब बहुत अच्छा। लेकिन वो पेड़ सारा काट दिया क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए थे तो इसीलिए वो सारे काट दिया ताकि जाए। और ये जो बाएं तरफ देख रहे हैं आप लोग वो है हॉस्पिटल नहीं आई एम सो सॉरी तो वो हॉस्पिटल नहीं था ये। अब हम हॉस्पिटल के रास्ते में हैं हाँ अब आएगा बाया साइड पे लेफ्ट साइड पे हॉस्पिटल दिखेगा। और ये सारा बहुत सारा ब्लॉक है मतलब ए ब्लॉक बी ब्लॉक और यहाँ पे है डॉक्टर्स हॉस्टल फीमेल मेल सारा है और स्टाफ क्वार्टर्स सारा कुछ है। तो ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है हॉस्पिटल और ये पूरा रास्ता है हमारा गेट ये है हॉस्पिटल। और हमारे रूम से कैंपस का जो मेन गेट है वो थोड़ा दूरी है मतलब एक किलोमीटर तो होगा ही मुझे ठीक से नहीं पता लेकिन होगा शायद। तो यहाँ से हम रेगुलर चलते हैं पैदल और टहलने के लिए इवनिंग को। और यहाँ पे अंदर कैंपस के अंदर कैंटीन भी है बहुत सारा ये एक रिटा का एक शॉप है जहाँ पे दही दूध ये सब मिलता है। और ये अब हम चलेंगे राइट साइड पे यहाँ से भी 3 किलोमीटर्स है मेन मार्केट। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गुड़गांव शॉपिंग के लिए और मेरे साथ और एक जन जा रहे हैं ये एक जन मेरे साथ ये अननोन पर्सन है मेरे लिए टोटली क्योंकि ये अपना पेशेंट से इतना वादे करता है तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं पराया बीबी हूँ किसी का बीबी हूँ इसे जानता ही नहीं हूँ तो इसीलिए बोला कि एक जन ग्लाइडिंग ये पहले लगा था हम लोग को लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये कोई किसी सर्टिफिकेट सिस्टम तो शायद किसी वजह से ये चल रहा है यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे थे तो इसीलिए हम भी 2 मिनट के लिए रुक गए थे क्या हो रहा है यार ये कहाँ से आ गया। तो हम लोग पहुँच ही गए बस तो अभी हम पहुंच गए हम लोग को राइट टर्न लेना है तुम भी कुछ बोलो पहुंच जाएंगे अभी गाड़ी चला रहा है कुछ ना बोल सकता है अभी तो फोन पे इतना बात काहे करते हो हम हमारे सबसे नियरेस्ट है वो भी 45 मिनट्स लगा है ये ओमेक्स मॉल के अंदर बड़े यूपी वाले टॉकिंग हो रहे थे आप बताओ यहाँ पे यूपी में जो भी है शायद थोड़ा दूर है
और यहाँ पे मुझे बहुत सारा चीज़ नहीं मिला है, बहुत ही कम प्रोडक्ट मिला है, लेकिन क्या करें, इसमें से चूज़ कर लिया क्योंकि भाई का साइज़, पापा का साइज़ नहीं मिल रहा था, जो पसंद आ रहा था जो पसंद आ रही थी वो नहीं मिल रही थी, ऐसे ऐसे हो गया था, बहुत तो प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। और यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं है, मतलब ना तो नहीं होता है, और इसीलिए शायद ये कलेक्शन बहुत ही कम है, लेकिन इस टाइम हम कोलकाता में शॉपिंग किया ये होते तो बहुत सारा प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट होता वहाँ पे। और भाई पापा के साथ मैं भी दो कुत्ता खरीद लिया, एक ब्लू कलर की ऊपर और ये ये लेके बाहर आके कार के उधर, तो ये सारा कार पे रख देंगे, रख के हम लोग फिर चलेंगे कुछ खाने के लिए। ये सारा हम लोग लिए घर के लिए, थोड़ा बहुत नगेट्स है इसमें, तो ये सारे लिए हैं घर के लिए। और अब हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि मैकडोनल्ड्स चलेंगे इस बार और बर्गर खाएंगे। गोलगप्पा खाने के वैसे आज बहुत मन है, लेकिन पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। घर पहुंच गए और टाइम हो रहा है रात का 10 और 10:30 पे घर आए हैं, और 10:30 पे हम कुछ खाएंगे क्योंकि उधर से जो खाया था वो सारा हजम हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा और खाना चाहिए रात के लिए। तो ये मैं थोड़ा नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, उसके साथ ये चिकन नगेट्स हैं, तो ये खा लेंगे। तो थोड़ा तीन चार करके क्योंकि बहुत दिन नहीं खाया ही, तो अभिषेक का खाने का बहुत मन है, दूर से और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है रात को, तो यही थोड़ा फ्राई कर दो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ साथ थोड़ा दूध भी गर्म करनी है, तो चलिए और कुछ भूनने के लिए है नहीं, और कुछ करने के लिए भी नहीं है, और ये मैंने दूध गिरा दिया पूरा, और क्या, और कुछ नहीं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग को तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे मतलब कि बहुत लोग देख रहे हैं जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे बोलना है कि आप लोग कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाऊंगी मैं। हाँ तो ठीक है, चलते हैं, टाटा गुड नाइट सबके लिए।
शुभकामनाएं हैं और बंगालियों के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा, और हम बहुत खुश हैं कि हम घर जा रहे हैं। और क्या, हाँ हम घर जा रहे हैं, हम बुधवार को घर जा रहे हैं, तो वो भी मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। और ये है अगले दिन की सुबह, ये वीडियो एक्स्ट्रा था तो मैंने इसमें डाल दिया। तो चलिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।